बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड वेलकम टू किंडर स्टोरीज़। जनरल नॉलेज सीरीज़ में आज जिस क्वेश्चन का मैं आंसर कर रही हूँ वो है, बहरी जहाज़ कैसे हरकत करता है, यानी कि शिप्स कैसे चलते हैं। बहरी जहाज़ का इंजन इसके धकेलू पंखे को घुमाता है। धकेलू पंखा प्रोपेलर को कहते हैं, जिसमें आम पंखे की तरह पर लगे होते हैं। जब ये पर घूमते हैं तो पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, जिसके रिएक्शन में शिप आगे की तरफ को मूव करता है। कुछ मखसूस कश्तियाँ प्रोपेलर्स के बगैर भी हरकत करती हैं, जैसे कि ये हाइड्रोफॉयल और ये स्वैम्प बगी। स्वैम्प बगी में एक बड़ा सारा फैन होता है, जैसे कि ये लगा हुआ है। ये हवा को पीछे धकेलता है, जिसके रिएक्शन की वजह से कश्ती आगे की तरफ को जाती है। और ये है हाइड्रोफॉयल, ये बहुत ही तेज़ चलने वाला जहाज़ है, जैसे कि सी प्लेन आप लोगों ने देखे होंगे। और ये भी पानी के ऊपर बहुत स्पीड से फ्लोट कर सकता है। जहाज़ को क्या चीज़ मोड़ती है? कमांड पोस्ट। जहाज़ का कप्तान बुर्ज पर रहता है। यहाँ पर लगे हुए कंट्रोल रूम से रडार को घुमाया जाता है, जिससे जहाज़ मुड़ जाता है, यानी कि प्रोपेलर उसको चलाएगा और रडार उसको दाएं या बाएं मोड़ेगा। बड़े जहाज़ आसानी से नहीं मुड़ सकते, क्योंकि मुड़ने के लिए बहुत खुली जगह चाहिए। बंदरगाह के अंदर छोटी कश्तियाँ, जिनको हम टग बोट्स कहते हैं, जहाज़ को दोनों तरफ से धक्का लगाकर मुड़ने में मदद देती हैं। टग बोट्स छोटी होती हैं, मगर ये बड़ी कुव्वत से धक्का लगाती हैं। कुछ बड़े जहाज़ों में वाटर जेट्स भी होते हैं, जिनको साइड थ्रस्टर भी कहा जाता है। ये भी इनके सिम्त बदलने में मदद करते हैं, जैसे कि एक थ्रस्टर इस तरफ और एक इस तरफ लगा होता है। अगर जहाज़ ने इस साइड पर टर्न करना है तो ये वाला थ्रस्टर ऑन हो जाएगा, जिसके रिएक्शन में अपोजिट साइड पर जहाज़ टर्न हो जाएगा। और इसी तरह अगर राइट साइड पर टर्न करना होगा तो लेफ़्ट थ्रस्टर को ऑन करेंगे। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी और आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आप जनरल नॉलेज सीरीज़ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।